हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पीछे तो आप देख ही सकते हो, यस, डिशवॉशर अभी तक नहीं आया। वो तो छोड़िए, उन लोगों ने अभी तक कॉल करके बताया तक नहीं है कि क्या पार्ट रिप्लेसमेंट करना है, क्या हो रहा है, कब होगा। हमने कॉल किया तो बोला कोई अपडेट नहीं है, अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। हाय नीबू, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। ये देखिए क्या कर रहा है, तीथर के अलावा हर एक चीज इसे मुंह में डाल रहा है। तीथर को तो दो मिनट भी देखेगा फिर छोड़ देगा। ये देखिए क्या कर रहा है। अब नीव क्रॉलिंग करने लगा है ना, तो बहुत जरूरी है कि अब हमें अपने घर को बेबी प्रूफ करना होगा। तो देखिए मैंने ये मंगवाया है, ये फर्नीचर के ना एजेस में चिपक जाता है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है और एक यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ तो लगाना मस्ट था ही था। और यहाँ पे याद है आपको, मैं डेकोर पीस हमेशा रखती थी ये नीचे, ये भी हटा दिया है क्योंकि एक दिन नीव इसके पास जा रहा था, तो बस जिस दिन वो गया उस दिन मैंने हटा दिया। इस वाले एज पे भी देखिए लगा लिया है, यहाँ पे भी नीव मंडराता रहता है तो चोट लगेगी। एक्चुअली मुझे इस तरफ भी लगाना ही पड़ेगा, बेकार मैंने नहीं लगाया। नेक्स्ट जो चीज मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी है वो ये वाला एरिया, ये आप देख रहे हो, ये एरिया ओपन है और इसमें वायर्स वगैरह है, इसमें स्टेबलाइजर है। ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने मीशो से मंगवाए हैं, पर ना आप इसकी क्वांटिटी पे मत जाइए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वाले ना, ये देखिए ये वाले जो है ना, ये सेट ऑफ 10 है, इतने सारे जो है। और आप अगर प्राइस पूछोगे ना तो वही 300 से 400, 450, 250, 350 ऐसे रेट्स में आपको मिलेंगे, तो रीजनेबल रेट में है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मीशो ने नहीं भेजा है, ये मैंने लिया है। मुझे बहुत आता है सोना लिंक शेयर करो, जो भी नीबू पहनता है समर में कपड़े, तो सारे मैंने मीशो से मंगवाए। 6 मंथ्स तक मैंने नीबू को, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, सिर्फ और सिर्फ रोमपर पहनाया, क्योंकि एक तो विंटर बेबी था, विंटर में बच्चों को रोमपर्स पहनाइए, मिटन्स पहनाइए, कैप्स पहनाइए, क्यूट लगता है। तो मैंने सारे रोमपर्स जो लिए थे 99% फर्स्ट ट्राई से लिए थे। अभी जो नीव पहन रहा है ना, वो आपने देखा होगा ऐसा वाला ही पहनता है, जिसके लिए मुझे बहुत आते हैं आप लिंक दो। क्योंकि ये सेट ऑफ 10 है तो अपने आपको कलर तो आपको चूज करना है नहीं, रैंडम उन्होंने कलर जो है भेजा है, पर मुझे सारे प्रिंट्स अच्छे ही लगे। क्या है देखिए, ऐसा है, आप इसको टाई कर दो। और क्वालिटी देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मीशो से लेते हो ना, आपको पता है आप 300 में 10 ले रहे हो, है ना, तो क्वालिटी बेसिस पे जज करिएगा। फिर एकदम से ऐसा नहीं हो सकेगा ना कि वाओ बेस्ट क्वालिटी होगी, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का दाम भी ज्यादा होगा ना। ये 10 ये झाबला है, ये 10 मुझे पड़ा है 289 रुपीज का, मतलब 300 रुपए भी नहीं हुए, 289 का पड़ा। तो ये मैंने 10 मंगा लिया, तो ये तो अब कितना वो यूज करे, गंदा करे, क्योंकि दिन में 2-3 बार बदलना पड़ता है, वो खाता है ना खाना तो गंदा करता है, तो ये मैंने 10 मंगवा लिया। अच्छा, इसके बाद मैंने देखिए सेट ऑफ 3 में ये वाले कपड़े मंगाए हैं, ये भी स्लीवलेस है और बटन वाला है, अच्छा लगा मुझे, प्रिंट कॉटन का है, तो ये दिया है सेट ऑफ 3। ये देखिए, ये भी कुछ ना कुछ 350 के रेट में है, ये 3 है। उसके बाद देखिए मैंने मंगाए हैं उसके लिए टी-शर्ट्स, ये टी-शर्ट्स भी कॉम्बो में मैंने लिए हैं, 5 कॉम्बो वाला पड़ा है मुझे 447 रुपीज में। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, पर क्योंकि ना क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है इसकी, ये स्लीवलेस नहीं है, ये ऐसा है, तो ये क्या है ना, बाहर निकलते हैं तो नीचे पैंट डाल दिया तो ये इस तरह के ना अच्छे लगेंगे। देखिए कलर कितना ब्राइट है, तो फिर भी देखिए 450 में अगर 5 है तो क्या ही बुराई है कि नहीं। ये देखिए एक ब्लैक है और एक ये वाला कलर है। उसके बाद देखिए मैंने ये मंगवाए हैं इसके लिए पैंट्स का सेट, तो ये 4-4 का सेट में आता है, तो मैंने 8 मंगवा लिए, तो ये भी वही आपको 250 के रेंज में मिल जाएगा, 250-200 के रेंज में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। अभी अगेन ये नीव को बड़ा होगा क्योंकि है ये हाफ पैंट, पर नीव को ऑलमोस्ट फुल पैंट हो जा रहा है, पर क्या है ना अभी क्रॉल करता है तो थोड़ा सा बड़ा ही रहे तो बेटर है, नीज को नीज वगैरह में छिलेगा नहीं, तो इसलिए ये सोच करके मैंने उसके लिए थोड़ा सा बड़ा ही ऑर्डर कर दिया। और क्या होता है ना, कमर पे थोड़ा सा लूज रहता है ना, तो अच्छा रहता है। नीव के खाने में क्या क्या है देखिए, एक तो ग्रीन मूंग दाल है, चावल रहेगा, और वेजिटेबल्स में पम्पकिन, गाजर, स्वीट पोटैटो, और साथ में ऐड करूंगी ये ड्रमस्टिक सहजन। ये जो ड्रमस्टिक है ना, इसमें बहुत सारे गुण है, इसमें विटामिन्स है बहुत सारे, इसमें मिनरल आयरन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, तो मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें होती है, तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी। तो चलिए सबको मैं पहले पका लेती हूँ, तो नीव का खाना जो है एक तरफ चढ़ जाएगा। इतना भी ड्रमस्टिक है ना, इन सबको मैं ऐसे ऐसे करके और भी ज्यादा मैश कर दूंगी। बाकी तो देखिए गुण इसका आ ही चुका है, जब बॉइल होना था तो वो तो पानी में आ गया, पर फिर भी जो बचा कुचा है उसको ऐसे करके थोड़ा सा कर लेना है, उसके बाद ड्रमस्टिक्स को हटा दूंगी और जो बचा हुआ नीचे थोड़ा सा और जूस होगा ना राइस के साथ में जो मिक्स्ड है वो भी मैं ले लूंगी। ये देख लीजिए कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी रहेगी, एकदम पतला सा नहीं करना है, सूप की तरह। और इसमें देखिए आपको थोड़े बहुत ना वो दिखेंगे, जो मूंग दाल है ना उसके छिलके दिखेंगे, बाकी ऐसा रहेगा। इसको ये रिमोट और इसका कवर ही पसंद है, जबकि मैंने इसको तीथर दिया है रिमोट शेप का, पर इसको यही चाहिए। ये तीथर है देखिए, है ना रिमोट की तरह, क्योंकि उसको रिमोट बहुत पसंद था इसलिए मैंने दिया था, पर ना उसको चाहिए एक्चुअल रिमोट। और ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया मीशो वाला, उनमें से एक पहनाया है, अरे नीचे लेट गया बच्चा,
कितना अच्छा, देखिए ये अलग लिया ना पैंट और ये टी शर्ट अलग है, पर दोनों को कॉम्बो कर दिया तो प्रॉपर सेट लग रहा है। कहाँ है नीबू, किसी को पता है? गुड इवनिंग। तो दोपहर में जब नीव सो गया तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, चमकीला मूवी, बहुत तारीफ सुनी है। तो मूवी लगाया, पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाए, थोड़ा सा बाकी है और नीव उठ गया, लेकिन हाँ अभी तक मूवी जो है बहुत अच्छी लग रही है, बहुत डिफरेंट है। किन ने देखा है बताइएगा। तो सोच रहे हैं आज रात तक कैसे भी तो करके टुकड़े टुकड़े में ही सही पर फिनिश कर लेंगे। गुड इवनिंग नीबू। आज नीबू इस तरीके से सोया था ना, जब सो के उठा ना, अभी भी थोड़ा आपको दिखेगा, ये पूरा लाल था, ये भी इधर भी, और हम लोग डर गए। फिर हमें चमका, चमकीला देखते देखते हमें चमका कि नीबू ने इस तरफ ने रखा होगा अपना फेस और वहां पे दबा दिया, एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था। अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया। इधर इधर किधर भाग रहा है, किधर क्या हो गया, क्या हो गया? देखिए देखिए, कुछ तो उसको दिख गया, उधर किसी चीज पे उसका ध्यान चला गया। ये देखो, ये देखो, वो ट्राइपॉड है। अरे भाई तो पर कैमरा इधर है ना, ट्राइपॉड लेके तुम क्या करोगे? जो भी चीज थ्री वाला होता है वो सब, फैन, ट्राइपॉड, सब अच्छा लगता है नीबू को। इधर जाना, देखो 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 देखो, याद है मैंने शेयर किया था आपसे कि नीबू को एक दवाई लिखा गया था कोल्ड के लिए, और बाद में पता चला था कि वो दवाई तो बैंड है। मैंने शेयर किया था व्लॉग में। तो क्या हुआ ना, जब भी हम लोग कंसल्टेशन लेते हैं ना नीव के लिए, मेरे लिए, अंगद के लिए, तो उसका जो बिल है ना वो ऑफिस में सबमिट कर देते हैं, तो हमें कुछ रीइंबर्समेंट आ जाता है। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए रहता है डॉक्टर का। तो अंगद ने बोला दोपहर में कि ठीक है मैं वो अपलोड कर देता हूँ ऑफिस का। तो उसके लिए क्या है ना, हॉस्पिटल का ऐप है हमारे पास में, उस ऐप में सारे प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं जितने भी सॉफ्ट कॉपीज होते हैं। तो सॉफ्ट कॉपीज वो चले लेते हैं, वही से वही ऑफिस में फॉरवर्ड कर देंगे। पता है क्या देखा हमने, हम लोग शॉक हो गए एक्चुअली वो देख करके। तो उस दिन का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें डॉक्टर ने जितनी बातें लिखी थी कि कोल्ड हो तो ये दवाई देनी है, फीवर हो तो ये दवाई देनी है, याद है, वो सब उन्होंने एडिट कर दिया, मतलब वो पूरा पार्ट डिलीट कर दिया और पूरे प्रिस्क्रिप्शन को कोरा छोड़ दिया है। सिर्फ लिखा है कि नीव नाम का बच्चा आया था, उसका इतना मंथ हुआ है, उसका वेट इतना है, और कंसल्टेशन के लिए आया था, किस चीज के कंसल्टेशन के लिए आया था, और डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया, कौन सी और मेडिसिन रिकमेंड करी कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो खाना, सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। तो मतलब जो डॉक्टर ने किया होगा ऑफकोर्स बात करके मैनेजमेंट से, कि वो अपने आप को सेफ गार्ड कर रही है कि मान लीजिए इसके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है और इन केस ये कंप्लेन करती है तो हॉस्पिटल के डेटाबेस में कुछ रहेगा ही नहीं, और जब रहेगा ही नहीं तो फिर वो बोल सकती है कि मैंने तो रिकमेंड नहीं किया। अब बात यह है, आप बोलोगे शोना पर आपके पास तो हार्ड कॉपी है प्रिस्क्रिप्शन की, जो आपको मैंने दिखाया था ब्लॉग में, आप वो दिखा के कर सकते हो कंप्लेन अगर करना हो। पर पता है उस पर ना वो लोग डिफेंड कर सकते हैं कि ये हार्ड कॉपी हमारी नहीं है, ये तो हमने लिख के दिया ही नहीं था, मतलब कुछ तो वो ऐसा बना देंगे, हमारे डेटाबेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम तो नहीं मानते। यही सोच करके उन्होंने वो पूरा चीज को एडिट कर दिया। जबकि आप उस ऐप में देखोगे ना, अभी का नहीं, मैं प्रेगनेंसी का मेरा फर्स्ट जो मैं कंसल्टेशन मैंने लिया होगा ना, उसका भी प्रिस्क्रिप्शन अब तक अंदर है डेटाबेस में, और जो जो डॉक्टर लिख के देती है वो सब कुछ लिखा रहता है। और ये वाला भी प्रिस्क्रिप्शन आया था डेटाबेस में, हमने उसी दिन चेक किया था, हार्ड कॉपी भी दिया था, सॉफ्ट कॉपी भी दिया था। अभी उन्होंने सॉफ्ट कॉपी को पूरा एडिट कर दिया है कि इन केस कुछ प्रॉब्लम होगी तो उनके पास एक ग्राउंड होगा अपने आप को सेफ गार्ड करने का। तो सोचिए कितना दूर का ये लोग सोचते हैं कि अगर आपका कुछ नुकसान होता है तो अपने आप को बचाने का उन्होंने पहले इंतजाम कर लिया। तो मैं तो यही बोलूंगी भैया, एकदम आंख कान खोल करके रखिए, क्योंकि एक आम इंसान को कुछ प्रॉब्लम होती है और वो सिस्टम से लड़ने जाता है तो देखिए कितनी सारी चीजें वो पीछे वो लोग सोच के रखते हैं, और उसके बाद तो आपको बातों में फंसाएंगे ही फंसाएंगे, चीजों में फंसाएंगे ही फंसाएंगे। तो मैं तो शॉक्ड होके देख के, अंगद भी शॉक्ड हो गया कि माय गॉड कितना दूर का, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि उन्होंने एडिट करके रखा होगा अपने आपको बचाने के लिए। आ गया नीचे से घूम के पापा के साथ, कहाँ गया था बोलो, कहाँ गया था घूमने के लिए? मम्मा को नहीं ले गया, घूम के आ गया, मिस कर रहा था मुझे, मम्मा को मिस कर रहा था। क्या देख रहा था नीचे, था स्विमिंग हो रहा था बच्चों का? कुछ कुछ बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, कुछ कुछ बच्चे खेल रहे थे, किचन किचन खेल रहे थे कुछ बच्चे, किचन किचन पिज्जा ऑफर किया था उन लोगों ने, पत्थर का पिज्जा था वो मुझे ऑफर डेफिनेटली किया था। किचन किचन नहीं, वो हम लोग भी खेलेंगे किचन किचन, ये पिज्जा बनाएंगे हम लोग, थोड़े से तुम बड़े हो जाओ फिर हम लोग बनाएंगे। वो वाला किचन सेट नहीं आता
अंगद जैसे बड़ा सा रहता है, आजकल नया आया, हमारे जमाने में तो वो आता था ना वो प्लास्टिक वाला मेले में मिलता था, अब वैसा नहीं आता, अब उसमें गैस स्टोव आता था, हाँ, कुकर आता था, पर अब ना एक्चुअल वाला आता है, इतना मतलब बड़ा नहीं पकता नहीं है, एक्चुअल दिखता है, मतलब इतना बड़ा साइज का देखा है मैंने, आई थिंक हेमलीज वगैरह में, तो उसमें आप पका सकते हो। तो नींबू अगर तुम वो सीख जाओगे तो तुम शायद शेफ बन सकते हो, बोलो। वो वाला ले करके उसमें कुकिंग करना होता है, उसमें पिज्जा बना सकते हो, पापा मम्मी को खाना बना के खिला सकते हो। लोगे थोड़े बड़े हो जाओ फिर लेंगे, फिर क्या पता नींबू, अरे देखो देखो पलट गया, इंटरेस्ट आ जाए कुकिंग में, फिर नींबू शेफ बनेगा तो कितना टेस्टी टेस्टी खाना खा सकते हैं हम लोग, है ना नींबू? वाह मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक चीज हमने डिसाइड किया मैंने अंगद दोनों ने कि नींबू को टॉयज में जो देंगे देंगे, एक चीज नहीं देंगे कभी भी। अंगद बताएगा क्या? क्या था भूल गए? गन्स। यस, तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि नीबू को गन्स एज अ टॉय हम कभी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों देते हैं लोग, पता नहीं गन्स से खेलने के लिए। हाँ, गन्स बच्चों को क्यों देना है वो? क्या मतलब बेकार का एक, क्या ही आप सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो उससे कि आप लोग गन दे करके आप, आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद। कार वार से खेलो कोई नहीं, पर गन नहीं देंगे, गन तलवार ये सब गन, तो बच्चे और ना अग्रेसिव से हो जाते हैं, अजीब से खेलते हैं। अब कोई बर्थडे में गिफ्ट कर भी दे अगर फ्यूचर में कोई, तो हम छुपा देंगे ना नींबू, हम लोग छुपा देंगे, पर गन्स नहीं देंगे खेलने के लिए, ठीक है। नींबू सो गया है, तो अब हम लोग फिर से मूवी कंप्लीट करने का स्टार्ट करें। कितना बाकी है? अच्छा वो एक घंटा है, एक घंटा तो शायद ही वो सोए, लेट्स सी। और ऐसे नीचे बैठ के देख लेते हैं, क्योंकि अब तो नीचे खाली है तो लेटते हैं और टीवी देख लेते हैं। मीनवाइल समर में अच्छा लग रहा है, नहीं? हाँ, और मीनवाइल अंगद ने देखिए कैमरा लगा रखा है, नीव को मॉनिटर भी कर रहे हैं, उठ जाएगा तो चले जाएंगे, दरवाजा जो है वो बंद है, लेट्स सी। वैसे ही मूवी जो है अभी तक तो अच्छी लग रही है। मूवी अगेन हम लोग कम्प्लीट नहीं कर पाए, आई गेस 25-30 मिनट का मूवी बाकी है। नीव उठ गया, आ गए हम लोग बाहर, अभी कुछ देर यहाँ घुमाएंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ जाती है, वो देखता है, डॉगीज देखता है। यहाँ पे नींबू को म्याओ दिख गई, वो देखो नींबू। नीचे से घूम फिर करके हम लोग आ गए। अभी नींबू का मनोरंजन हमें और 1-1.5 घंटा करना है, तब जाकर के उसके सोने का टाइम होगा, और मीनवाइल हम लोगों को खाना भी खाना है। पर नींव इतना क्रैंकी मूड पे है ना आजकल, मैं आपको क्या बताऊं। तो अभी अंगद देखा के बाहर झूले पे बैठा हुआ है, जबकि बाहर से पूरा घुमा कर लेकर आए हैं, पर नहीं, जैसे उस रूम लेकर के गए हम लोग, थोड़ी देर हम लोग भी बैठ जाते हैं, तब जा के बैठेंगे झूले पे। तो क्या होता है ना, पूरा दिन लगने के बाद बच्चे के पीछे, उसके बाद ऐसे शाम होने के बाद ना 8-8:30 बजे के बाद में हम दोनों की बैटरी हो जाती है डाउन। वो तो अंगद को कोई अपना आज काम शायद नहीं करना है या क्या, वरना तो उसको फिर उसके सोने के बाद में अपना ऑफिस का भी काम करना होता है, मीटिंग्स होती है कुछ ना कुछ, तो ऐसी बैटरी डाउन होती है, ऐसी बैटरी डाउन होती है कि लगता है अरे यार अब नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चे को तो चाहिए मनोरंजन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, और एकदम एक एक मिनट में वो बोर होता है हर एक चीज से, तो वो पेस मेंटेन करने में ना हालत खराब हो जाती है। क्योंकि हमारा तो भैया एक मतलब क्या बोले, कभी ना कभी बैटरी डाउन तो होनी ही होनी है ना, तो मुझे तो आज लग रहा है कि बस सो जाओ जा करके, पर वो कर नहीं सकते, अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, फिर नींबू का फीड होगा, फिर उसको सुलाएंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस है।